मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022 की प्रिमरी एग्जामिनेशन 21 मई 2023 को हेल्ड करवाए थे। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका डिटेल्स में सोल्यूशन करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, समय 2 घंटे दिए जाते हैं और इस क्वेश्चन पेपर में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है, इसलिए हमें 100 के 100 क्वेश्चंस जो हैं वो करने होते हैं। 2022 का प्रिमरी एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 21 मई 2023 को हेल्ड करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं सिनोवियल जोड़ कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आनुवंशिक रूप से परिवर्तित वीटी बैगन के निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो जो भी बीटी बैगन है वो कीट प्रतिरोध के लिए उन्हें डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है या सहायता करता है? तो वो है विटामिन के। यदि विटामिन के की कमी है हमारे शरीर में तो रक्त की जो थक्का है वो जमेगी नहीं। यदि कट जाता है हमारा शरीर या घाव हो जाता है तो उसे भरने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अपने भोपाल में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। दो पारिस्थितिकी तंत्र से बेहतर हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो होगा दो डिफरेंट पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कि हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, यह है अपना सुंदरवन एरिया जो वेस्ट बंगाल में है, इधर से गंगा रिवर जो है मीठी पानी की इकोसिस्टम बनाती है और इधर में बे ऑफ बंगाल है जो कि खारे पानी की एक इकोसिस्टम है। जब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो सुंदरवन बनता है। सुंदरवन एक इकोटोन की तरह काम करेगा दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में, यही है अपना इकोटोन। इकोटोन ट्रांजिशन जोन है दो डिफरेंट इकोसिस्टम के, ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल अर्थात की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो वो हो जाएगा अपना पश्चिमी घाट। पूरे विश्व में टोटल 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से कि 4 हमारे भारत में हैं, अर्थात कि 4 का जो नाम है वो भारत से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि वेस्टर्न घाट जो है अपने इंडिया में है। वायु की गति का मापन जो है हम लोग एनीमोमीटर के द्वारा करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एनीमोमीटर का यह एक इमेज है जैसा कि हम लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं। एनीमोमीटर की बात करें तो इसे इटालियन आर्किटेक्ट लियोनल बतिस्टा अल्बर्टी ने 1450 के आसपास बनाया था। इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं कि जो ज्वाइंट है एटलस एंड एक्सिस के बीच में उसे स्नोवियल ज्वाइंट कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट अपने भोपाल में है। इकोटोन हम लोग कहते हैं दो डिफरेंट इकोसिस्टम की बाउंड्री जो ट्रांजिशन जोन है उसको। जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो होते हैं ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी अपना वेस्टर्न घाट है। विटामिन के हमें ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग करने में और वेलोसिटी जो है वो हम विंड की वेलोसिटी एनेमोमीटर में मेजर करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग पैदा करता है? तो कैडमियम प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो FPO ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आयुष का हमें फुल फॉर्म बताना है तो इसका मतलब होता है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का 4th स्थान है। पहले स्थान की बात करें तो वो उड़ीसा है अपना और हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 4th स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बुरहानपुर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लाडली बहना जो योजना है इसमें हरेक महीने 1000 रुपये दिया जाता है जो भी इसके महिलाएं योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो वो है सहरिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है हमारा वो है डिंडौरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कैडमियम के चलते इटाई होता है। 4th नंबर पर हम लोग कोल प्रोडक्शन में है। बुरहानपुर जो है हमारे कॉटन और बनाना के लिए फेमस है। लाडली बहना योजना जो है 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसका सही आंसर FPO हो जाएगा। आयुष का जो फुल फॉर्म है वो आयुर्वेद, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी है। सहारिया जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा और डिंडोरी में जो है वो सबसे लिस्ट डेंसिटी जो है अपनी वो है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का।
मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है? तो यह 3 बार हो चुका है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक में अध्यक्षता करते हैं? तो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित मंत्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, रवि शंकर शुक्ला, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। यह जो हम लोग आंसर देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फाइनल ऑफिशियल आंसर की दिया गया है, उसी के द्वारा हम लोग यह क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? 5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने फाइनल आंसर की में यह माना कि दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें इन्होंने 2 आंसर भी दिए कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट है। यदि किसी कैंडिडेट ने ऑप्शन सी को चूज किया होगा तो उसका भी सही हो जाएगा, यदि किसी कैंडिडेट ने ऑप्शन डी को चूज किया होगा तो उसका भी फाइनल सही हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश सरला ग्रेवाल, ये सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को देख लिए हैं, जो कि इंग्लिश में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यदि इंग्लिश में आपको हिंदी में समस्या आए तो। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 315 और पार्ट, यदि हम लोग पार्ट की बात करें तो यह पार्ट 14 में अपना आ जाएगा, पार्ट 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आ जाते हैं, और फिर हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 15 जो कि आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट हैं? तो द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। यदि हम महालेखा परीक्षक अर्थात की कैग की बात करें तो ये आर्टिकल 148 में मेंशन है। हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल में जो पहला शेड्यूल होता है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, दूसरा वेतन के लिए है, तीसरा जब इन्हें वेतन दे दिया जाता है द्वितीय अनुसूची में तब ये शपथ लेते हैं, शपथ के बाद जो चौथा है वो राज्यसभा के लिए है, पांचवा और छठा जो अपना अनुसूची है वो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज के लिए है, सातवां लिस्ट के लिए है, आठवां लैंग्वेज के लिए है, नौ जो है रेगुलेशन के लिए, रूल एंड रेगुलेशन के लिए, दसवां एंटी डिफेक्शन है, 11 पंचायत है और 12 म्यूनिसिपैलिटीज हैं। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था फाइनली, अभी देखेंगे नीचे कि किस कारण से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन पहले ये 2-3 क्वेश्चन का और हम लोग आंसर देख लेते हैं। जैसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री ही करेंगे, राष्ट्रपति नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो वो के संथानम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के सदस्य जो है वो नहीं हो सकते हैं, और आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति के लिए आयोग है, और यदि हम 38A की बात करें तो यहाँ पर ST के लिए है, और 338B की बात करें तो ये अपना OBC के लिए आयोग है। तो ये तीनों आर्टिकल जो है हमें याद रखना चाहिए। ऑलरेडी हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 2 डेट हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये कंस्टिट्यूट होता है, देखिए कंस्टिट्यूट के लिए नोटिफाई होता है 1 फरवरी 1994, लेकिन फर्स्ट ऑफिस जो है ये एग्जिस्टेंस जो शब्द है ये यहाँ पर ध्यान रखना है 15 फरवरी 1994 होता है, तो 15 फरवरी 1994 कहीं भी आंसर में था ही नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये जो 1 फरवरी 1994 है ये तो यहाँ पर इसकी नोटिफाई हुई 1 फरवरी 1994, लेकिन हमसे पूछा गया है एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस जो है वो 15 फरवरी 1994 है, इसलिए इन ऑप्शन में 15 फरवरी 1994 नहीं है, इसीलिए फाइनली मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य और कृषि जो संगठन है FAO का मुख्यालय जो है ये रोम में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह विद्युत मंत्रालय से रिलेटेड है,
वर्तमान में यानी कि 2023 में भारतीय थल सेनाध्यक्ष जो है वो मनोज पांडे थे। ऑप्शन है भी अभी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था, तो पुणे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो इंदौर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी, तो महू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। फाओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर रोम में है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जो है वो गणेश वासुदेव मावलंकर है, ये पुणे में किया गया था। सौभाग्य स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी हम लोगों ने इनके क्वेश्चंस देख लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग जो है सुमेलित है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से युग सुमेलित करना है हमें, यहां पर चार खेल के बारे में दिया गया है। रंगास्वामी कप जो है ये पोलो से नहीं है, जबकि सिस महल ट्रॉफी क्रिकेट से है, यादवेंद्र कप हॉकी से है, रोवर्स कप फुटबॉल से है, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है, तो करेक्ट आंसर लियोनल मेसी हो जाएंगे इसके सही आंसर, अर्जेंटीना से है, और अर्जेंटीना ने 2022 का विश्व कप फुटबॉल जीता है, और 2022 का जो विश्व कप फुटबॉल है फीफा का वो कतर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 ये रोमेश पठानिया, इसके सही आंसर है, ये करेंट से क्वेश्चंस हैं। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है, तो विश्वव्यापी पहुंच, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है पूछा गया है। रोबोट का फायदा तो वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यदि हम रोबोट की फायदा की बात करें तो वो ये सारे फायदे हो सकते हैं कि वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, वह खतरनाक स्थिति में प्रयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं और न ही विश्राम करते हैं। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है, तो सोशल मीडिया अनुकूलन का मतलब है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑलरेडी हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सो इजली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रोमेश पठानिया इज अ करेक्ट आंसर। साइबर सुरक्षा की विशेषता है इसमें से, तो ये तीनों जो है अनुपालन भी है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा और खतरे की रोकथाम उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा सटीक वर्णन बैठता है, तो यह तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था देता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फादर है वो जॉन मैकार्थी है, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है, तो कोर्टेशिया, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है, तो टनल डायोड, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल जुग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती, शो अशुद्धि अंतःक्षेप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है, तो क्षमता, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो मेघालय की थी, लगभग 28.4% थी। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकोंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है, तो करेक्ट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, जबकि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस से मिकोंग जो है वो गुजरती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे सर्वाधिक है, तो वो मिजोरम हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में लोह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो देश में लोह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं ओडिशा में है, ऐसा नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है, एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में है, अफ्रीका में वो भी जो मोरक्को है ये वाला जो पोर्शन, जब हम लोग अफ्रीका का डिजाइन करते हैं कुछ इस तरह से, तो यहां पर जो है ये पोर्शन एटलस है, नॉर्थ वेस्ट ये कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि तटीय या ज्वारीय वन है, जहां पर कि मैंग्रोव्स होते हैं, जिसे सुंदरी वृक्ष भी कहते हैं वहां पर, और एक तरह का इको टोन का भी वो निर्माण करता है। सो दिस आर क्वेश्चंस इन इंग्लिश। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन एक रिलेटेड है, तो उसके बाद यह अपना काम आएगा।
तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 58, 90 इज रिज, 19 डिग्री पूर्व रिज के बारे में इसमें पूछा गया है. तो यह हिंद महासागर में स्थित है. भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? वो है पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है. नहीं, ये गलत है. जबकि भारत में पवन ऊर्जा क्षमता की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. करेक्ट है, गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 22% है और 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता की लगभग 24% थी. ये तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंड लॉक देश नहीं है? तो थाईलैंड जो है वो लैंडलॉक नहीं है, जबकि भूटान लैंडलॉक है, नेपाल लैंडलॉक है, लाओस लैंडलॉक है. क्वेश्चन नंबर 61, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? इस क्वेश्चन को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि यहां पे 9 अगस्त है. चूंकि 8 अगस्त को स्टार्ट होता है अपना आरंभ जो है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा. 8 अगस्त को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में जो भाषण दिया था वहीं से स्टार्ट हो गया था अपना क्विट इंडिया मूवमेंट, अर्थात कि भारत छोड़ो आंदोलन. और भारत छोड़ो जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया कि अब हम लोग क्विट इंडिया आंदोलन स्टार्ट कर दिए हैं, तो 9 तारीख के सुबह में ही जितने सारे मेजर लीडर्स थे उनको ऑपरेशन जीरो आवर के थ्रू सबको गिरफ्तार कर लिया गया था. तो ये भी हमें याद रखना है कि ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है. तो यहाँ पर 9 अगस्त नहीं होगा, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस आंसर में लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ. ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कहा जा रहा है. और हम लोग बता दें कि काकोरी जो कांड है यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था उत्तर प्रदेश में, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है. इसका आंसर 9 नहीं 8 अगस्त होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ये काफ़ी फेमस कबीर जी का अपना एक दोहा है, जिसमें कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न पोए, धाई आखर प्रेम का पढ़े शो पंडित होए. शो दिस इज दिस, ये जो दोहा है ये कबीरदास जी का है. शो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एंड बुक्का के द्वारा 1336 में हुई थी. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. तीनकटिया सिस्टम काफ़ी फेमस है. चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था. परमहंस मंडली की स्थापना जो है ये महाराष्ट्र में होती है, और महाराष्ट्र में भी 1849 में होती है. दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना होती है. तो इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन हमें जानना होगा. ये सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है. कबीर जी का ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े शो पंडित होए. दिस स्टेटमेंट रिटन बाई कबीरदास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, तहकीक और हिंद जो है ये अल बरूनी की लिखी पुस्तक है. प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में होती है. परंपरा के अनुसार अलवरों और नयनारों की संख्या जो है 12 और 63 है, अर्थात कि अलवर जो है वो 12 है, नयनार जो है 63 है. अलवर उन्हें कहते हैं जो विष्णु भगवान को मानते हैं, और नयनार जो है वो है जो शंकर भगवान को मानते हैं. नयनार में नयन है, तो नयन किसके पास है? 3 नयन किसके पास है? भगवान शंकर के पास है. तो इस तरह से हमें याद रखना चाहिए कि जो नयनार है वो भगवान शिव के भक्त हैं. संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के द्वारा 1855 और 56 में संथाल परगना बिहार और बंगाल में हुआ था. निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है पूछा गया है. तो फाइनली मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सांची और बलसार जो है दोनों ऑप्शन दिए गए थे. इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी कैंडिडेट ने सांची को मारा है अपने आंसर में तो वो भी सही है, और बलसार को भी यदि किसी ने कंसिडर किया है तो वो भी सही है. यदि हम प्रार्थना समाज की बात करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 67 था कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी, तो वो महाराष्ट्र में हुई थी. और आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार आर जी भंडाकरन के द्वारा 31 मार्च 1867 को हुई थी. क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें पता करना है. तो बघेल खंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, करेक्ट स्टेटमेंट है. लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, बिल्कुल नहीं होती है. मेनली जो उर्वरक वाले हैं हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अलुवियल सॉइल है और ब्लैक सॉइल है ये फर्टिलाइजेशन जो है इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो अधिक होती है. लाल और पीली या लेटराइट मिट्टी में नहीं होती है. तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया. मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, वेरी गुड, ये करेक्ट है. मध्य प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है. स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. मैग्नीज के बड़े भंडार कहाँ है, तो बालाघाट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंध नहीं रखता है,
तो ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिले में तापमान कम रहता है, यह स्टेटमेंट गलत है। कुछ इंपॉर्टेंट सुधारों से हम लोग देख सकते हैं, जिसमें कि ब्रह्मो समाज है, ब्रह्मो समाज की स्थापना, यहां पर हम लोग देखेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में। बार बार हम लोग देखते हैं ना कि ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन रॉय के द्वारा की गई थी, लेकिन यह एनसीईआरटी की बुक है, यहां पर लिखा हुआ है 1830। इस पर भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने यहां पे लगा दिया है, इसको एक बार हम लोग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। डेरोजियो एवं यंग बंगाल रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। प्रार्थना समाज 1867 में, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। वेद समाज चेन्नई में होती है 1864 में। अलीगढ़ आंदोलन जो है 1875 में सैयद अहमद खां के द्वारा होता है। सिंह सभा आंदोलन यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा। क्वेश्चन नंबर 75, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्न में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो नर्मदा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मंडला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सयोपुर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं एवं ट्यूबवेल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में लो अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो लो अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा स्थान रखता है, ये गलत है। निम्नलिखित में सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? तो ये सुक्ता बैतूल नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 72। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग अनुच्छेद 61 इसका सही आंसर हो जाएगा। 84, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अर्थात की मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो अनुच्छेद 222। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को ये लाए थे और 22 जनवरी 1947 को इसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। भारतीय संविधान का 91वां जो संविधान संशोधन है, यह मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करता है 15% तक। तो यही अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? तो 1919। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किसने कहा कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, निर्मल वर्मा पुरस्कार यह भारतीय प्रवासियों द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए दिया जाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक रूप से भूर सिंह द बारा सिंगा कान्हा नेशनल पार्क में है? यह क्वेश्चन नंबर 93 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो ये इसमें दोनों कथन को सही माना गया था फाइनली मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के नाम बौद्धि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो सांची। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलवाट सादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? इंदौर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचूरी शासक गांगेदे एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? तो अल बरूनी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? शो तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? लोकमत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? गोंड चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 100, धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो दसपुर। तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हुए और हम लोगों ने सेट ए का क्वेश्चन पेपर देखा था। हम लोग फाइनल आंसर की जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो यह अपना मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड कराया गया था, यह फाइनल आंसर की है और सेट ए का यह आंसर की है, जिसमें से कि कुछ क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया था और जो कई क्वेश्चन थे यहाँ पर 60 नंबर 1 को भी डिलीट किया गया है जो कि हम लोगों ने देखा, और कई जो क्वेश्चन थे जिनका आंसर एक से ज़्यादा दिया गया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में भी दिया गया है, 70 में भी दिया गया है, 93 भी क्वेश्चन को
दिया गया है। तो ये अपने टोटल 100 क्वेश्चन रहे जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के।